वेलकम बैक नौकरीखबर.com यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आपके पास किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं है, तो आप सभी के लिए वाटर डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग की तरफ से साल 2020 की खुली सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इन भर्तियों के लिए ऑफलाइन घर बैठे आवेदन करना होगा। तो अगर आप लोगों का सचमुच सपना है साल 2020 में एक अच्छी सी पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक देखेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन का पत्र और अप्लाई करने की जो डेट है वो इंक्रीज करके 12 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। तो इसके लिए भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसको आखिरी में हम ओपन करके पूरी डिटेल में देखेंगे कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए बिना सोचे, और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी नौकरियों की अपडेट आगे भी मिलती रहेंगी। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आपको सभी तरह की जॉब्स की जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं आज के इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको बता दें कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप लोग देख पाएंगे आपका जो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म है ये पूरा का पूरा जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं, देन उसके बाद फॉर्म को, और उसके बाद आप सभी को डेट इंक्रीज का नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। ऑल इंडिया की जॉब है, भारत के सभी राज्यों से सभी स्टेट से आप लोग घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। कैसे आवेदन करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और बाकी सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की एक झलक देख लेते हैं, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के इस वैकेंसी के बारे में A to Z पूरी की पूरी जानकारी देखेंगे और आपको इससे अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, कैसे आवेदन करना, उसकी पूरी प्रोसेस वाला जो फॉर्म है मैंने ओपन कर लिया, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि ये जो आपका यहां पे बोला गया है कि हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, यानी कि आप सभी कैंडिडेट के लिए यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, और पेज वाइज सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहां पे आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। तो यहां से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है और आपको यहां पे सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहां पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी होगी, एडवर्टाइजमेंट का नंबर और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको ऐड करना होगा। उसके बाद एप्लीकेंट का नेम, यहां पे फुल नेम जो आपका HSLC में होगा, उसके बाद फादर्स का नेम, देन उसके बाद आपको मदर्स का नेम फुल करना होगा, और ये पूरा का पूरा आपको ब्लैक ब्लॉक लेटर्स इन इंग्लिश में फिल करना होगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल एंड फीमेल, खुद की डेट ऑफ बर्थ, एज और कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी जिस भी कैटेगरी से आप होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको PWD स्टेटस बताना होगा, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जो अभी का एड्रेस है उसको बताना होगा, और यहाँ पे आपको स्टेट और पिन भी फिल करने होंगे। देन इसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट फिल करने होंगे, एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने होंगे, और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे फिल करनी होगी। ये आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। चलिए एक झलक हम लोग नोटिफिकेशन का देख लेते हैं, उसके बाद डेट इंक्रीज का नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर लेंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन भी ओपन हो चुका है जो कि 19 अगस्त 2020 के दिन जारी किया गया था, और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जो वैकेंसीज है उसकी लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है। पे स्केल की बात करें तो 30,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए आपको PB4 के अंदर ग्रेड पे में 12,700 रुपए अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, जैसे कि आपकी उम्र जो है तो यहाँ पे 38 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग 43 साल तक वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ST और SC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वैकेंसी डिटेल यहाँ पे बात करेंगे, पे स्केल की बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को बिना कहीं स्किप किए आगे बढ़ाए देखते रहिएगा पूरी आखिरी तक, ताकि कोई भी जानकारी आपको मिस ना हो सके और आप लोग बेधड़क यहाँ पे अप्लाई कर सके। BPL कार्ड वालों का एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप लोग बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। ये आप सभी के लिए इस वैकेंसी को लेकर बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, अब इस वैकेंसी के बारे में कुछ समरी देख लेते हैं। आपको बता दें कि जल विभाग की तरफ से नई वैकेंसी है 2020 के लिए। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोवाइड करा दिया गया, ताकि आपका कोई भी ना डाउट रह सके और आप लोग बिना किसी परेशानी के इस भर्ती के लिए आवेदन कर सके। अगर आप लोग 10वीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे। कुल पदों की बात करें तो 500 से भी अधिक पदों पर वैकेंसीज निकल के आ चुकी हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे 18 से लेकर 43 साल की एज वाले आवेदन कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो अप्लाई है वो ऑफलाइन करना होगा। फॉर्म मैंने प्रोवाइड करा दिया, आपको दिखा भी दिया है। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया की जॉब है, यानी कि भारत के सभी राज्यों से आप लोग आवेदन कर पाएंगे।
वीडियो में आगे बढ़ने से एक बार फिर से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की कोई भी अपडेट आप तक पहुंचने से मिस ना हो पाए। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका अपडेट मैंने 21 अगस्त 2020 को ही कर दिया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है, 2020 के लिए आपको अप्लाई ऑफलाइन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग mponline.co.in पे जाके सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल की बात करें तो 550 पदों पर टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे आपका पोस्ट नेम AE एंड JEE का होने वाला है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म भरे जाने पहले से ही शुरू हो चुके हैं। इसकी जो आखिरी डेट है वो 12 अक्टूबर 2020 रखी गई है। एज की लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 38 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग ऊपर के हो रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जहां पे आप लोग 18 से लेकर यहां पे 43 साल के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए ₹250 लगेंगे। बाकी अगर आप लोग SC ST PHA फिर किसी भी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार है तो आपका ₹150 अप्लीकेशन फीस लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास BPL है, यहाँ पे राशन कार्ड बना हुआ है तो आपका कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। जो भी एप्लीकेशन फीस लगेगा आपको पे करना होगा। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की बात करें तो क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में, तो APSC की तरफ से रिक्रूटमेंट है। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें किन किन राज्यों से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद यहाँ पे आपका सैलरी है तो सैलरी यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर AE के लिए आपको ₹30,000 से लेकर ₹110,000 तक और यहाँ पे JEE के लिए आपको ₹14,000 से लेकर ₹60,500 दिए जाएंगे और ₹8,700 का आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपका मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, जहाँ पे आपका डिप्लोमा और डिग्री भी देखा जाएगा। आप लोग 12 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेगा और सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। इसके बाद सबसे मेन यहाँ पे बात आती है इम्पोर्टेंट लिंक की, जहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड नोटिफिकेशन और MP Online की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपको MP Online की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे जाना होगा, एक पैराग्राफ नीचे आप लोग देख सकते हैं। एक पैराग्राफ नीचे जाने पर आपको एक लिंक मिलेगा जो कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर रिडायरेक्ट करेगा। आपको #07 पे आना है और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा। अप्लाई लिंक के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए। आपको नीचे चले जाना, बेसिक जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है। आपको इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन पे चले जाना है। इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन पे आने के बाद आपको 3-4 तरह के लिंक मिलेंगे जो कि आपको रिडायरेक्ट करेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर और यहाँ पे अप्लाई करने के फॉर्म के ऊपर। आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक दिखेगा और इससे नीचे आने पर आपको यहाँ पे डेट इंक्रीज का नोटिस दिखेगा, अप्लाई ऑफलाइन का फॉर्म दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखेगा और ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। मेरी तरफ यहाँ पे नेटवर्क स्लो है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। मैं पहले डेट इंक्रीज का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद आपको अप्लाई ऑफलाइन का फॉर्म भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों, डेट इंक्रीज का नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया जो कि 22 सितंबर 2020 के दिन जारी किया गया और यहाँ पे बोला गया कि आपकी जो वैकेंसीज आई थी उसकी जो डेट है उसको इंक्रीज करके 12-10-2020 कर दिया गया। इट मींस कि अब आप लोग 12-10-2020 12 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। चलिए एक बार फॉर्म को फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैंने फॉर्म को ओपन कर लिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको इस फॉर्म को भरना होगा, नेम एड्रेस के साथ सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी बिना किसी चीज को छोड़े हुए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस बारे में एक डिटेल में वीडियो और अपलोड करूं तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का टारगेट। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, फिर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।